पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिद अफरीदी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के लिए बाबर आजम की जगह टीम के कप्तान बनाए जा सकते हैं। जियो न्यूज के मुताबिक बाबर और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को इस सीरीज में आराम दिया जा सकता है। इन दोनों की जगह पाकिस्तान सुपर लीग में ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे सईम अयूब और आजम खान को टीम में जगह मिल सकती है। अफरीदी को कप्तान इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स के भी कप्तान हैं और उनकी अगुवाई में टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। इस सीजन के 9 मैचों में लाहौर ने 7 मैच जीत दर्ज की है। इंजरी के बाद मैदान पर वापसी करने वाले शाहिद अफरीदी खुद भी पूरी लय में नजर आ रहे हैं। उन्होंने 9 मैचों में 14 विकेट लेने के साथ एक अर्धशतक भी जड़ा है। शाहिद की अगुवाई में ही लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का खिताब जीता था। वहीं बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जालमी को 9 मैचों में से 5 में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन बाबर आजम बेहतरीन फॉर्म में है। वह अब तक 9 मैचों में 416 रन बना चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।